क्या आप अपनी किडनी बेचकर एक लेटेस्ट आईफोन खरीदे हैं और उसमें ढेर सारे फोटोस और वीडियोस भी निकाले हैं, पर उस डेटा को कोई एंड्रॉइड फोन्स के साथ शेयर करते वक्त बहुत दिक्कत आई है या लैपटॉप में ट्रांसफर करते वक्त केबल कंपैटिबिलिटी का इश्यूज भी आया है? वेल, आई हैव गॉट सॉल्यूशन फॉर यू। यह है snapdrop.net। इससे आप कोई भी एंड्रॉइड फोन से आईफोन को या आईफोन से एंड्रॉइड को डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी वायरलेस। लेट मी एक्सप्लेन। पहले आपको दोनों एंड्रॉइड और आईफोन को एक ही वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट करना है। उसके बाद दोनों एंड्रॉइड फोन्स में आपको क्रोम ब्राउजर में जाके snapdrop.net को ओपन करना है। फिर उसके ऊपर टैप करें तो वहाँ पे शेयर ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे आपको जो भी वीडियोस और फोटोज को शेयर करना है आप शेयर कर सकते हो। इट्स दैट सिंपल। लैपटॉप को ट्रांसफर करने में भी यही प्रोसेस वर्क होगा, तो आप जाके ट्राई कर सकते हो। snapdrop.net का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर लैपटॉप के लिए और एक सोल्यूशन चाहिए तो आप शेयरिंग वाया VLC को ट्राई कर सकते हो। वो प्रोसेस भी snapdrop.net की तरह काम करेगा। शेयरिंग वाया VLC के लिए आपको ऐप स्टोर में जाके VLC फॉर आईफोन को डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड करने के बाद पहले फोटोज ऐप के अंदर जाओ और जो भी फोटोज या वीडियोज को आप सेंड करना है उनको सिलेक्ट करो, फिर सेंड के ऊपर क्लिक करो और सीधा स्क्रोल करके नीचे जाके सेव टू फाइल्स और वहां पे VLC ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करो और सेव कर दो। उसके बाद आपको VLC ऐप के अंदर जाना है और वहां पे नीचे नेटवर्क करके ऑप्शन रहेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। शेयरिंग वाया वाईफाई टॉगल को एनेबल करना है और कंट्रोल सेंटर में जाके आपको सेम वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एक यूनिक URL कोड मिलेगा। उस URL कोड को आपको लैपटॉप के अंदर क्रोम ब्राउजर या माइक्रोसॉफ्ट एज में जाके पेस्ट करना है, तो वहां पे आपको VLC पॉपअप हो जाएगा। वहां पे जो भी फोटोस या वीडियोस हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रोसेस में कोई डेटा नहीं जाएगा, ये सिर्फ वाईफाई से ट्रांसफर हो रहा है। अगर अगली बार आपको कोई डेटा को ट्रांसफर करना है आईफोन से या लैपटॉप को या एंड्रॉयड फोन को, इस दोनों प्रोसेस में आप किसी को भी चूज कर सकते हो। वेल, यही था इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ उज्ज्वल, आप देख रहे हैं टक प्रभु। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।